हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑनलाइन कार्ड्स। द टॉपिक इज ऑनलाइन कार्ड्स एंड वी विल कवर द टॉपिक्स इन ऑनलाइन कार्ड इज आर द डेबिट कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई कैश, डिजिटल कैश एंड ई चेक्स। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द डेबिट कार्ड्स? डेबिट कार्ड्स आर द इट आर द प्लास्टिक कार्ड। आप सभी ने आपके पास एटीएम कार्ड्स होंगे, तो एटीएम कार्ड्स में आप अगर अपनी अपनी पॉकेट से एटीएम कार्ड निकालिए और उस पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ डेबिट कार्ड लिखा हुआ है तो वो डेबिट कार्ड है। अब डेबिट कार्ड मीन्स क्या होता है कि अगर आपके आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा आप अपने कार्ड से उतना एक्सपेंस कर सकते हैं, उसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड बैंक अपने रिलायबल कस्टमर्स को देता है जिनका ट्रांजैक्शन बैंक से बहुत अच्छा होता है, उनको क्रेडिट कार्ड इशू करता है। और क्रेडिट कार्ड में अगर आपके अकाउंट में जीरो पैसा भी है, जीरो कोई पैसा नहीं, जीरो पैसा है, तब भी आप पैसा खर्चा कर सकते हैं विद आप बाई यूजिंग द क्रेडिट कार्ड। बट डेबिट कार्ड में आप उसी तरीके से पैसा खर्चा कर सकते हैं जितना आपके अकाउंट में है। ये लास्ट लाइन पढ़ी, इफ़ यू डोंट हैव द मनी इन द बैंक देन यू कैन नॉट मेक योर परचेज। दिस इज द डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं? दीज आर सम बेनिफिट्स लाइक कि आप डेबिट कार्ड से यू कैन नॉट गो इनटू द प्रेशर ऑफ द बैंक, बिकॉज क्रेडिट कार्ड से जो बैंक जो कंज्यूमर्स होते हैं वो काफ़ी प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनको ये मिल जाता है कि भाई हमारे बैंक में ज़ीरो पैसा है तो हमें खर्चा हम चाहे जितना कर लें। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होगा, जितना आपकी बैंक में पैसा होगा, अगर नहीं होगा तो आप रुक जाएंगे, आपका कार्ड काम ही नहीं करेगा, तो आप क्या कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं फिर आपके पास, आप परचेज रोक देंगे अपनी। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है कि आपको पता है कि हमारे पैसे होना हो हम परचेज कर सकते हैं, बाद में हम दे देंगे, तो इस तरीके से आप बैंक के कर्ज तले दब जाते हैं। तो क्रेडिट डेबिट कार्ड में जबकि इस तरीके से नहीं है। ओके, एंड एनी परचेज यू मेक योर कार्ड इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाई वीजा जीरो लाइबिलिटी पॉलिसी। ये पॉलिसीज में भी आता है, इट्स अ लॉट मोर कन्वीनियंट एंड एक्सेस योर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ योर कार्ड ऑनलाइन, यू डोंट नीड टू अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब मन करें तब अपना डेबिट कार्ड यूज़ करें चाहे ना यूज़ करें। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में क्या होता है, उसको आपको रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका हिस्ट्री जो बैंक है वो अच्छी मानेगा। अगर आप लंबे समय से बैंक में पैसा डाल दिए, मान लिया अपने बैंक में 20 लाख रुपए डाल दिए, अब सिर्फ डले हुए हैं, आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, ना उसको निकाल रहे हैं, ना कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बैंक ऐसे कस्टमर को बहुत अच्छा नहीं मानता है। ज़्यादा बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है, आप ट्रांजैक्शन कितना अच्छा कर रहे हैं, एज अ बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट मत समझिएगा अपने आप को, एज अ स्टूडेंट आपके लिए डेबिट कार्ड ही बहुत अच्छा है, बट एज अ बिजनेसमैन डेबिट कार्ड इज वेरी बैड फॉर बिजनेसमैन। क्रेडिट कार्ड इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर बिजनेसमैन। टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड्स, ये कुछ डेबिट कार्ड्स के टाइप हैं, पिन ओनली डेबिट कार्ड, 12 यूज कार्ड्स, प्रीपेड डेबिट कार्ड एंड ऑनलाइन और ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स एंड अदर्स। एडवांटेज ऑफ डेबिट कार्ड्स, दीज आर द सम एडवांटेजेस, जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स, जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स, यू विल अंडरस्टूड द एडवांटेजेस एंड दीज आर सम डिसएडवांटेजेस, जस्ट नोट डाउन द डिसएडवांटेजेस। Disadvantages of debit card is what disputed charge can be more difficult to resolve. Some banks may charge you extra fees. You don't improve your credit score. You cannot take advantage of rewards points. It gives you lower level of fraud protection and so on. Stored value card. Stored value card क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ वैल्यू जिस कार्ड में स्टोर्ड हो, तो किस तरह का क्या है देखते हैं। स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम आर क्रिएटेड बाई डिपॉजिटिंग फंड इन टू अकाउंट फ्रॉम विच फंड कैन बी विथड्रॉन एज नीडेड। दे आर सिमिलर टू चेकिंग ट्रांसफर इन दैट फंड आर स्टोर्ड एंड विथड्रॉन, बट अ पेपर चेक नीड नॉट बी रिटन। स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम इंक्लूड प्रीपेड फोन्स कार्ड, लाइक प्रीपेड फोन कार्ड होता है ना, जैसे आपके प्रीपेड जो कार्ड होते हैं उसमें क्या होता है, वैल्यू होगी तो आप बात कर सकते हैं, वैल्यू नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते हैं। जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड भी आपका स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स कहलाते हैं कि उसमें पैसा होगा तो आप खर्च करेंगे वरना नहीं करेंगे। कुछ गिफ्ट सर्टिफिकेट्स हैं, आपको कहीं से वाउचर मिले, गिफ्ट वाउचर्स मिले, तो गिफ्ट वाउचर में वैल्यू जब होती है तभी आप गिफ्ट वाउचर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये दीज आर सम सिस्टम्स। ओके।
These are stored value card. Both stored value payment system and checking transfer are depend upon funds being available in an account. Okay, these are the stored value cards. मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, आप अपने एटीएम कार्ड्स को निकालिए पॉकेट में से और देखिए उसमें ब्लैक कलर की अगर स्ट्रिप है तो वो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड है. लाइक अ मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड इज अ टाइप ऑफ कार्ड कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा मॉडिफाइंग मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एनी आयरन बेस्ड मैग्नेटिक पार्टिकल ऑन द बैंड ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल. द मैग्नेटिक स्ट्राइप इज समटाइम कॉल्ड स्वाइप और मैग्नेटिक स्ट्राइप. दिस इज रीड बाई स्वाइपिंग स्वाइपिंग पास अ मैग्नेटिक रीडिंग हेड. दिस इज अ मेड अप ऑफ टिनी आयरन बेस्ड मैग्नेटिक पार्टिकल. ईच पार्टिकल इज अ रियली वेरी टिनी बार मैग्नेट अबाउट 20 मिलियंस ऑफ एन इंच लॉन्ग. इतने टिनी पार्टिकल्स होते हैं. द मैग्नेटिक स्ट्रिप कैन बी रिटन बिकॉज द टिनी बार मैग्नेटिक कैन बी मैग्नेटाइज. दिस इज द मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड. वॉट इज स्मार्ट कार्ड? स्मार्ट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड एम्बेडेड विद आईसी चिप. अपने अपने ए टी एम कार्ड निकालिए, देखिए उसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना हुआ है चिप बेस्ड. अगर है तो वो आपका स्मार्ट कार्ड है. चिप कैन बी इधर अ मेमोरी और अ माइक्रोप्रोसेसर यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांजैक्टिंग द डेटा. द डेटा इज एसोसिएटेड विद इधर वैल्यू और इन्फॉर्मेशन और बोथ. यानी कि दीज टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्मार्ट कार्ड. द ई कैश, वॉट इज ई कैश? एनी टाइप ऑफ पेमेंट मेड ऑनलाइन इज ई कैश. ई कैश इज वॉट? पेपरलेस कैश. ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कम इन द मेनी फॉर्म इंक्लूडिंग वर्चुअल चेक्स एटीएम कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स एंड स्टोर्ड वैल्यू कार्ड. इन्हीं को हम कहते हैं ई कैश. इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट सिस्टम. पेमेंट सिस्टम कैसा होता है? पेमेंट सिस्टम आपका कुछ इस तरह का होता है. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. ये कुछ ऐसा कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर अपने बैंक से ई कैश के लिए रिक्वेस्ट करेगा. वो ई कैश बैंक जो है वो कंज्यूमर को इशू करेगा. कंज्यूमर अपने मर्चेंट को देगा जिससे आप बिजनेस कर रहे हैं. वो मर्चेंट वेरीफाई कराएगा बैंक से. बैंक वेरीफाई करके फिर से मर्चेंट को इन्फॉर्मेशन दे देगा और मर्चेंट और कस्टमर के बीच में इस तरीके से सेटलमेंट हो जाएगा. दिस इज द ई कैश प्रोसेसिंग और ई कैश वर्किंग. तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट सिस्टम इसको नोट कर लीजिए और ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए. ओके, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश. कैश के क्या एडवांटेज है? इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांजेक्शन आर मोर इफिशियंट एंड लेस कॉस्टली. द डिस्टेंस दैट एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन मस्ट ट्रेवल डज नॉट अफेक्ट कॉस्ट. द फिक्स कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर टू हैंडल इलेक्ट्रॉनिक कैश इज नियरली जीरो. इलेक्ट्रॉनिक कैश डज नॉट रिक्वायर दैट वन पार्टी हैव एनी स्पेशल अथराइजेशन. डिसएडवांटेज द इलेक्ट्रॉनिक कैश प्रोवाइड्स नो ऑडिट ट्रेल बिकॉज ट्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश is not traceable. It is not traceable and money laundering is a problem. इस money laundering की problem हो सकती है. And electronic cash is susceptible to forgery. Forgery मतलब fraud. Fraud भी हो सकता है. Electronic cash is a commercial flop. That means electronic cash is not used in commercial activity. That means for business it is not good. E-check. What is e-check? E-check is same like a paper check. Like a check is the electronic form means a check which contains the exact mirror image of a paper check. It is same like a paper check but contain the biometric signature and in crypto system, that means coding system on the check. It is same like the paper system. Like e-checks are made up of electronic payment. कोई भी electronic payment है वो e-check है. E-check work the same as paper check and a legally binding promise to pay both parties by both parties. E-check value. E-check value is what e-check value. Sorry, e-check working. Working of e-check. Working of e-check is what? The working of e-check. Let me take the pen. Okay. The problem come. This is the disadvantage of e-check.
वी आर वेयर वर्किंग, हाँ ई चेक वर्किंग, ओके ई चेक वर्किंग, पेयर एंड पेई जनरेट द इनवाइस एंड पेयर साइन द चेक एंड गिव इट टू द पेई इंडोर्स ई चेक इन टू द एक्वायरर एंड एक्वायरर गेट क्लियर टू द इशूअर, ये इनके बीच में बायलैटरल कम्युनिकेशन होगा, देन द अकाउंट स्टेटमेंट सेंड टू द पेयर, दिस इज द वर्किंग ऑफ ई चेक. ओके एडवांटेज ऑफ ई चेक, जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स, द डिसएडवांटेज ऑफ ई चेक, जस्ट गो थ्रू द पॉइंट एंड नोट डाउन इट, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द कार्ड्स और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड. ओके दैट्स इट, थैंक यू.